ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप हम बात करते हैं उन्नत झारखंड की। रघुवर सरकार के प्रयास से स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड लगातार आगे बढ़ रहा है। बोकारो की बात करें तो यहां सदर अस्पताल में बेबी केयर यूनिट को आधुनिक बनाया गया है। न्यूबॉर्न बेबी को रखने के लिए विशेष तरह की कई मशीनें लगाई गई हैं। तस्वीर देखकर प्राइवेट अस्पताल समझने की भूल न करें। ये बोकारो का सदर अस्पताल है जिसे रघुवर सरकार ने पूरी तरह से हाईटेक बना दिया है। सदर अस्पताल की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का बेबी केयर यूनिट, जहाँ पूरा कमरा शीशे का बना हुआ है। न्यूबॉर्न बेबी को रखने के लिए अत्याधुनिक मशीन है जिसके जरिए बच्चों को देखभाल और उनके पल्स रेट की जाँच की जाती है। जो बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं या कुपोषण के शिकार होते हैं उन्हें इस अस्पताल में नई जिंदगी मिलती है। प्राइवेट अस्पताल में जहां नवजात के रखने के लिए एक दिन का चार्ज 3,000 रुपए है, वहीं सदर अस्पताल में कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। हाल के दिनों में करीब 1 दर्जन नवजात बच्चे यहां से ठीक होकर गए हैं। मरीज और उनके परिजन सरकार की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। बोकारो सदर हॉस्पिटल यहाँ के बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चे 15 तारीख से भर्ती है। यहाँ पर बहुत सुविधा है और सब कुछ का मतलब कि सब कुछ सिस्टर भी ठीक ठाक से देख रही है। और मेरे लिए रघुवर दास को थैंक यू। बना दिया तो हम लोग को सुविधा हो रहा है ना, पैसा नहीं लग रहा है, देख रेख हो रहा है, बच्चा सुरक्षित है। रघुवर सरकार ने लोगों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का वादा किया था जिसे पूरा किया जा रहा है। बोकारो का सदर अस्पताल अब हाईटेक हो गया है। यहाँ साफ सफाई से लेकर पानी और दवा का सरकार ने पूरा इंतजाम किया है। उच्च तकनीक के साथ साथ नर्स और डॉक्टर भी पर्याप्त संख्या में मौजूद है। आम लोगों को बहुत फायदा है। अभी भी हमारे यहाँ 3 नवजात शिशु जिसमें की 2 एक इन्फेक्शन का है, एक सांस लेने में बच्चा पैदा हुआ था, सांस नहीं लिया था, वो बच्चा है जो कि अभी रिकवर कर रहा है। राज्य की तरक्की के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बेहद ही जरूरी है और 3 सालों में रघुवर सरकार ने इस क्षेत्र में काफी सुधार किए हैं, जिससे लोगों को अब इलाज के लिए दूसरे शहर जाने की नौबत कम ही आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।